के हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से ये 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 105 करोड़ के करीब ये आ रहा है। गिनी बड़ी हालत के अंदर हम बोलेंगे कि भाई 100 करोड़ भी अगर पकड़ ले तो 100 करोड़ के हिसाब से ये पूरा मामला सामने आया है। इसके लिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो जमीन के बदले में हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं, आपने वहां पर क्या कॉम्प्लेक्स बनाने का है आप बनाइए। वक्फ बोर्ड को आपने क्या देना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड को कितना पैसा मिला है आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड को टोटल इनके तरफ से कितना पैसा देने का निर्णय लिया गया, तो 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये में से वक्फ बोर्ड को मिलेंगे महज 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये जो उन्होंने दे दिए कैलाश बाफना साहब ने और इनकी पूरी टीम ने, 1.5 लाख रुपये। और 4.5 लाख रुपये मिले डायरेक्ट मुतवल्ली को, यानी कि जिस जमीन के ये 100 करोड़ बना रहे हैं, ये वक्फ की जमीन जो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवाओं की है, वक्फ बोर्ड को मिल रहा है 1.5 करोड़। अब मेरी मांगनी ये है और इस मांगनी के लिए मैंने पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं लगातार इसके लिए फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। किसी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेंगे तो वो लोग है तो पूरा मामला डॉक्यूमेंट चेंज कर डालेंगे, टेम्परिंग कर डालेंगे, मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये मामला जैसे ही हमको पता चला तो मुझे किस तरह का प्रेशर आया है, किन किन लोगों की तरफ से आया है, कौन कौन से धरना सेटों ने मुझे फ़ोन कर कहा है कि साहब मिल लीजिएगा, एक बात बात कर लीजिएगा करके, उसमें ये सब हुआ। उसके बावजूद मैंने कल के दिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से एम्बेसडर होटल के अंदर गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया, पूरे चीज़ें बताया उनको, और ये बताकर उनको ये कहा कि साहब ये इसके अंदर अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर 100 करोड़ रुपये का ये मामला है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है, तो महानगर पालिका का जो टाउन प्लानिंग सेक्शन है उनके अधिकारी शामिल है, जो विदाउट ऑब्टेनिंग द NOC इनको दे देते हैं, वो लीगल एडवाइज़र उस वक्त जो भी रही होगी वो उसके अंदर शामिल है, और इनको कितना कितना पैसा दिया गया है ये भी मैंने कहीं ना कहीं से निकाला हूँ कि किन किन लोगों को कैसा कैसा बांटा गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर ये बंधन कारक होता है, ये कोर्ट ने जजमेंट दो या ना दो, ये एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी किसी की भी ज़मीन लेके जाके अगर वहाँ पे अगर रजिस्टर कर देगा, उसमें आपकी खाली ज़मीन पड़ी है, मैंने जाके कहा कि मेरी रजिस्ट्री कर दो तो कर, आपको जिस किसी की भी ज़मीन है उसकी NOC होना पड़ता ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक एक रजिस्ट्री के पीछे मुझे जो बताया गया है रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर विदाउट NOC के हम रजिस्टर करके देंगे आपको 25-25 लाख रुपये एक एक रजिस्ट्री के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर दिए गए, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ 25 लाख रुपये आपने देना, हमारे को वक्फ बोर्ड की NOC की ज़रूरत नहीं है, जो कानून के हिसाब से बंधन कारक है, जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से बंधन कारक है कि आपने ये ज़मीन का कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन है, कोर्ट ने भी कहा और रूल के हिसाब से भी है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि तकरीबन मेरे हिसाब से 80 के करीब शॉप्स वहाँ पर निकले है, 25-25 लाख के हिसाब से रजिस्ट्री ऑफिस के जितने भी अधिकारी है, कल से उनकी नींद उड़ी हुई है जब से मैंने उनको ये दिया हुआ हूँ, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं कि किस तरह से अब इसको मामले को। साथ ही साथ जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर अगर कोई दोषी है तो ये जगह के मुतवल्ली, मुतवल्ली मतलब ये होता है कि वक्फ की ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, आप उसके केयरटेकर हैं। ये जितने भी मुतवलियाँ हैं ये समझ रहे हैं कि ये ज़मीन हमारे बाप की जागीर है करके, तो इसको बेच डालो, अपने को पैसा चाहिए, चलो ये टुकड़ा तुम ले लो करके। तो वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, मुतवल्ली, महानगर पालिका के अधिकारी, रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी, लैंड रिकॉर्ड्स के अधिकारी, ये सब लोग इसके अंदर दोषी है, मैंने पूरा सबूत के साथ है तो दिया है। गृह मंत्री साहब ने कल ही कमिश्नर साहब को आदेशित किया, उनको बताया कि इसके लिए है तो डिटेल के अंदर छानबीन जा करके इसकी इंक्वायरी करें। अब मुझे मालूम है कि ये लोग कितने धन्ना सेठ है करके, अगर ये सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्री के लिए 25 लाख रुपये दे सकते हैं तो ये किस लेवल के ऊपर कहाँ कहाँ मैनेज कर सकते हैं ये भी मुझे मालूम है। अब मैं ये बता रहा हूँ, अब ये या तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले और ख़त्म कर दे मामला, इसके बाद कोई कार्रवाई ही ना हो करके। मैंने इसके अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे जो निवेदन मैंने दिया हूँ, इसका जालना रोड औरंगाबाद या वक्फ बोर्डाच्या जागेवर अवैध रीत्या अतिक्रमण करून बेकायदेशीर व नियमबाह्य बांधकाम करून जवळपास 100 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा करणाऱ्यांची
व त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात यावे, अन्यथा मी स्वतः खासदार या नात्याने दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी सामूहिक आमरण उपोषण करणार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वसर्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील और मैं अकेले नहीं बैठने वाला हूँ। हमने ये तय किए हैं कि कम से कम मेरे साथ 26 फरवरी को 1000 लोग हम जिलाधिकारी के सामने बड़ा पेंडोल लगा के 1000 लोग उसकी नोंदनी हमने करना शुरू कर दिए गए। हम पूरे मराठवाड़ा के लोगों को अलग अलग ज़िले से यहाँ पर बुलाएंगे और 1000 लोग 26 फरवरी से, अगर 26 फरवरी तक इनके ऊपर FIR रजिस्टर नहीं हुई तो हम आमरण उपोषण के ऊपर हम बैठने वाले हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि किस लेवल के ऊपर ये कहाँ कहाँ जाकर कैसा कैसा मैनेज कर सकते हैं। मुझे पुलिस कमिश्नर के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने एक अच्छा ऑफिसर डेप्यूट करेंगे और इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा कायदे कानून की जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ अगर उनका इंक्वायरी ऑफिसर एक घंटे के लिए भी अगर बैठ गए, हमारे वकील साहब के साथ बैठ गए, तो मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मामला, अगर आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ यही मामला ले रहे हैं, देखिए दिक्कत हमारे साथ ये हो रही है कि हमने इससे पहले क्रांति चौक की जगह के मामले में हम आवाज़ उठाई, वहाँ पर